नेपाल सरकार अपने नोटों पर कुछ भी लिखने फाड़ने जलाने यहां तक कि लाइन खींचने को आपराधिक मामला मानेगी। नेपाल सरकार ने 18 अगस्त से नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 2007 के मुताबिक देश की करेंसी नोट या सिक्के को नुकसान पहुंचाने पर 3 महीने तक का कारावास और जुर्माने के तौर पर 5,000 नेपाली रुपए देने की सजा सुनाई जा सकती है। नेपाल राष्ट्र बैंक सेंट्रल बैंक ने बुधवार को अपनी सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिया है कि वो नए नियम को लागू कराने को सुनिश्चित करे। सेंट्रल बैंक ने एक आम जनता को भी इस बारे में सूचना दी है। एनआरबी के नोट प्रबंधन विभाग के प्रमुख लक्ष्मी प्रापन्ना निरोला ने गुरुवार को कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन से मुद्रा के जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे एनआरबी को कुछ बचत होगी। ये पहली बार है कि नेपाल में मुद्रा पर कुछ लिखने, उस पर चित्र आदि बनाने या उसे तोड़ मरोड़ कर नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कोई कानून बनाया गया है। इससे पहले केवल नकली मुद्रा को लेकर ही कानून था। एनआरबी के चीफ करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख लक्ष्मी प्रपन्ना के मुताबिक गुरुवार से ये प्रावधान लागू हो जाएगा। इससे एनआरबी को बचत होगी। नेपाल में अभी 28,000 करोड़ रुपए 458 अरब नेपाली रुपए चलन में है। इसमें से 30% नोट लाइन खींचने और उन पर लिखे जाने के कारण खराब हो गए हैं। Log on to www.clips.in.